एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफरीन गैलरी। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। रात के 1:30 बज रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा हम लोग 1:30 बजे रात में क्या कर रहे हैं। मतलब मेरा भाई फंसा दिया, कल इसको अपना जो भी असाइनमेंट है वो जमा करना है और ये आज लेकर के बैठा। और इस तरह का जो बुक है ना, इस तरह का बुक पूरा लिख रही हूँ मैं बैठ करके, वहाँ आप ही लिख रही हूँ। मैं सबको दिखाती हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं मैंने इतना लिखा है, फोकस नहीं कर रहा है, इतना कुछ मैंने लिखा है। और यहाँ पर तो गाइस ये मेरा भाई है बेचारा, ये भी लिख रहा है अपने फ़ोन से देख करके। और अपने फ़ोन का क्या हालत किया इसने, देख सकते हो स्क्रीन टूट गया। और वहाँ पर गरीब देख ना इधर गरीब मेरी गरीब बहन बैठी हुई है और लिख रही है पूरा दिलो जान से। बाय द वे सबसे बेस्ट राइटिंग जिसका है ना हमारे घर पे वो इसी का है, देन उसके बाद मेरा है, उसके बाद फिर ये आता है सबसे लास्ट का है उसरा। एक बार सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँगी, पर इसका कहना है कि अपने व्लॉग में भी दिखाओ कि देखो ऐसा है, इतना पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी। तो यही व्लॉग में बहुत चलते तो गाइस यही व्लॉग में आप लोगों को कल भी कंटिन्यू रखूंगी और कल जो भी करेंगे वो आप लोग से शेयर कर देंगे। बाय, थैंक यू, बाय। निकाल हटाना, बट्टा हटाना, हट तो जानते हैं सब, तेरे सब बोलता है आपकी दीदी व्लॉग में क्यों नहीं आती, आपकी दीदी व्लॉग में क्यों नहीं। हे गाइस, आज हो गया नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए। और मेरा भाई ने इतना ज़्यादा रुकाया है ना, मतलब इतना ज़्यादा, अम्मी वहाँ पर है और इतना ज़्यादा मेरे भाई ने मतलब थका दिया है ना मुझे, कल लिखा लिखा मतलब लिख लिख करके। मेरी बहन आप भी बहुत लेट से उठी थी, मैं तो और लेट से 1 बजे उठी हूँ आज मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, कल माही की हल्दी और मेहंदी दोनों एक ही दिन पर है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लेस वगैरह लेने के लिए। तो अब सीधा मैं वो दुकान पर चलती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ ये वाला तो देखिए उसे दो पार्सल है, वो 12 बजे पहुँचा। नहीं भी भरा भरा लेकिन लग रहा है, मतलब कि हाँ आया है ऐसा करके भरा भरा। मैं आ गई आप पिया, थक गया यार। ये मेरी निशानी है कि मैं आ गई हूँ। सादिया तो गई, अभी मैं आकर के यहाँ बैठ गई हूँ आपके घर पे। और मुझे ना अभी मेकअप की चीज़ें कुछ कुछ लेने के लिए जानी है माई के लिए, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई है उसकी, तो उसने मुझे कहाँ लेते हुए आने, कल जा रही है हम लोग मेहंदी हल्दी दोनों कल ही है उसका। बैंड बजिए कल रात में 10 बजे घर पहुँचूँगी कल, और कल से चांद रात भी है, कैसे होगा मैनेज। और ये मुझे देख रही है। तो गाइस मैंने सारी चीज़ें ले ली है, लाइटनिंग तो इतनी ख़राब है क्या बताऊँ, तो मैंने उसके लिए सारी चीज़ें ले ली है जो भी मेकअप की चीज़ें थी। अब मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर, मुझे रास्ते में मिल गई है, अभी अभी शिफ्ट हुई है यहाँ पर फैज़ान मंजिल। सब एक यहाँ लिफ्ट है ना, नहीं चल पाएंगे तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ, उसके बाद फिर घर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे अपना ईद का ड्रेस भी आप लोगों को दिखाना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें माही के लिए ली है, कुछ कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें ली है। और कल तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है उसके लिए, मेहंदी वगैरह कली है, कली मेहंदी है, कली हल्दी है। मैंने सोचा था कि मैं ये पहन लूँगी, ये ड्रेस पहन के मैं चल जाऊँगी, और मेरी अम्मी का कहना है कि इतने सारे ड्रेसेस किस दिन काम आएंगे। और मैंने सोचा कि मैं ये वाला झुमका जो है ना, मैं ये झुमका पहन के जाऊँगी, इसमें बड़ा प्यारा लगता। और इसके नीचे मैं वाइट पहनने वाली थी, अभी तो फिलहाल मैंने जीन्स पहना हुआ इसके नीचे, पर मैं इसके नीचे वाइट कलर का एक गरारा टाइप का वो पहनने वाली थी, इसका वाइट दुपट्टा और ये झुमका लगा करके सिंपल से जाने वाली थी। पर क्या बोलूँ, अम्मी को मंजूर नहीं हुई इसलिए, बट ये झुमका बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा। तो जो ले करके आई हूँ वो दिखाती हूँ, फिलहाल झुमके को साइड में रखती हूँ। तो गाइस वो ज़्यादा ना लगाती नहीं है कोई चीज़ें, कुछ भी नहीं लगाती अपने फेस पर, बहुत सिंपल ही रहती है हमेशा, उसे मेकअप वगैरह भी उतना करना आता नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से, उसने भी, मैंने उसको लिस्ट बना करके दिया था, बहुत सारी चीज़ें उसने ले ली है, जितना भी मेकअप का सारी चीज़ होता है ना सब उसने ले लिया है। कुछ कुछ चीज़ें छूट रही थी, मेकअप रिमूवर वगैरह, तो मैंने ये ले लिया छोटा सा,
ये गुलाबरी का है रोज ग्लो फेस क्लींजर, मेरे पास इसका बड़ा वाला था और मैंने ये रोज वाटर ले दिया उसे गुलाबरी का, सब छोटा छोटा लेकर के दिया ताकि उसको दिक्कत ना हो और वो बहुत कम यूज करती है, पड़ा रह जाए उससे अच्छा है कि छोटा छोटा लो। देखिए मैंने सेफ्टी पिन ले लिया है और ये पेंसिल लिया है मैंने, लिप लाइनर है, इसको आप आईब्रो में भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह का कलर है ये। और पॉन्स का बीबी क्रीम लिया है मैंने, ये पॉन्स का बीबी क्रीम है, बहुत अच्छा है इसका शेड है आइवरी है शेड इसका। तो ऐसे मैंने आई शेडो लिया और ये आई शेडो मुझे 260 रुपीज़ में पड़ा, बहुत अच्छा। इसमें भी प्लास्टिक लगी हुई है, मैं बस खोल करके इस तरह से दिखा देती हूँ, देखो। तो उसको इसमें हाईलाइटर शेड भी है, इसलिए मैंने हाईलाइटर नहीं लिया, उसको मना कर दिया था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एक मैं हूँ जैसे, मुझे क्या, मैं मेकअप लुक वगैरह करती हूँ, मुझे प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत है, बट वो करती नहीं। और इसमें सारी चीज़ें, कभी कभार तो मैं अपना आई शेडो का ही हाईलाइटर लगा लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तीन तरह के मैंने इसके लिए ये लिया, बिंदी ली है क्योंकि बिंदी इन लोग में मस्ट होता है लगाना शादी के बाद, तो ये बिंदी है इस तरह का। स्क्रब वगैरह ले लिया शादी के बाद, अगर उसको करना होगा तो करेगी, इसको कुछ आइडिया नहीं है और कुछ उसको पता भी नहीं है, सब मुझे समझाना होगा उसे कॉल में कि ये है। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसलिए ली नहीं है। और ये मेकअप फिक्सर है, ये ले लिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मेहंदी का डब्बा है जो मुझे लेकर के जाना था क्योंकि कल मेहंदी वगैरह सब है। और ये ले लिया मेकअप ब्रश, ये बहुत ही सस्ते में पड़ जाता है ये ब्रश, और उसे ज़रूरत भी नहीं है, स्पूली है, उसके बाद फिर आईब्रो ब्रश दे दिया है। और आई मेकअप है जो कि फ्लैट वाला है, उतना अच्छा खासा इसका यूज़ होगा नहीं। पेंसिल ब्रश है जो यूज़ हो सकता है, और एक पाउडर ब्रश है जिसे आप ब्लश एज अ ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो ब्रश के लिए। और इसमें 12 पीस मेहंदी कोन है, पूरा डब्बा है। और उसने मुझे अभी कॉल किया था, तब मैं दोबारा गई ये नेल, फेक नेल्स लेने के लिए क्योंकि उसके दो नाखून टूट गए इसलिए। तो बस इतने सामान मैंने उसके लिए लिया था। मैंने अभी कहा था कि मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा दूँगी अपना ड्रेस और अम्मी का ड्रेस ईद का। वैसे कोई कन्फर्म नहीं कि मैं ईद में वही पहनूंगी, पर मैं दिखा दे रही हूँ। और ईद वाला और एक है पर ऊपर रखा हुआ है, अगर अम्मी निकाल दी तो मैं दिखा दूँगी। और ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी अम्मी ने सिया है, मैं दिखाती हूँ। ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी अम्मी ने सिया, मैंने इसको जीन्स में वेयर किया हुआ है, देख सकते हो। और मेरे बालों का लेंथ आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि नेक्स्ट व्लॉग में मैंने नहीं दिखाया था, पिछले के व्लॉग में तो आप लोग बोल रहे थे कि अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देने के लिए अपना बाल का जो लेंथ है वो, तो बालों का लेंथ कुछ इस तरह का है मेरा। और बहुत लोगों के नाम भी मुझे लेने थे, मुझे याद नहीं, मैंने लिख करके रखा था, तो मैं अभी आप लोगों का नाम लेती हूँ, रुको। तो गाइस बबली है, सबा परवीन है, सामिया है, फिज़ा है, अल फिज़ा शाह है और शाजिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे। तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा, तो मैंने आप लोगों का नाम लिख करके रखा था, ताकि मुझे याद रहे, वरना मैं हमेशा भूल जाती हूँ आप लोगों का नाम। अब मैं आप लोगों को अपनी अम्मी का ड्रेस दिखा देती हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह का मेरी अम्मी का ड्रेस है, पूरा ही खोलना पड़ेगा यार। तो इस तरह का मेरी अम्मी का ड्रेस है, आज तीन स्लीव्स इस तरह से। अम्मी ने बहुत अच्छे से फिनिशिंग दी है अपने ड्रेस की, बहुत अच्छे से इस तरह का अम्मी ने दामन रखा है। इसमें पैपिन जो बोलते हैं ना, ब्लू कलर के कपड़े का जो शलवार का कपड़ा है उसका दिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ड्रेस, पाकिस्तानी टाइप का ड्रेस है ये। और ये मेरे लाइन पे ही मैंने कहा था ना, एक शॉप खुला है ग्लैम जोन करके, बस वहीं से मेरी अम्मी ने लिया है और मैंने भी लिया है वहीं से अभी। और ये पैंट, सिंपल सा पैंट लिया अम्मी ने, इसमें अपने उस वाले जम्पर का जो कपड़ा है ना, जो कुर्ती का कपड़ा है, वो कुर्ती का कपड़ा अम्मी उसने पैपिन में लगाया, बस ये भी सिंपल सा है। और एक सेम इसी पैटर्न में और एक है, पर इसको अम्मी ने सिलाया है प्लाजो, इसका प्लाजो सिलाया अम्मी ने, सिया है अम्मी ने, सिलाया नहीं है, सिया है अम्मी ने खुद से। बहुत लोग बोलते हैं आपकी अम्मी बाहर का कपड़ा लेती है कि नहीं, तो आप लोगों के धतकीडी जमशेदपुर के अंदर कहीं पर भी हो तो आप लोग आ सकते हो मेरे घर और मेरी अम्मी को दे सकते हो सीने के लिए। मेरी अम्मी बाहर का कपड़ा लेती है सीने का। और ये मेरी अम्मी का ऊपर का कुर्ता, इसमें कुछ लगाया है डिज़ाइन नहीं, इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं है, नॉर्मल सा है, जो उसका बीट आता है ना वही है बॉर्डर। ये भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, क्या पता मैं कभी पहन लूँ। कोई पूरा कॉटन नहीं है ये, थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा अलग ही टाइप का, पूरा कॉटन नहीं है पर हाँ 80% कॉटन है, थोड़ा सा इसमें मिक्स है, पर बहुत अच्छा कपड़ा है। हाँ वही जो भी अम्मी बोल रही है वही है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को अपना कपड़ा दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब पहनूंगी, सेकेंड ईद, थर्ड ईद, कब फर्स्ट ईद, किस दिन पहनूंगी। तो ये कुछ इस तरह का है, कैसे दिखाऊं, देख सकते हो इसका असल कपड़ा यहाँ है, मैंने बस इसका ऊपर का जो डिज़ाइन है वो दिखा दिया आप लोगों को। ये ऑर्गेन्जा कपड़ा में, अभी मार्केट में सिर्फ ऑर्गेन्जा छाया हुआ है, तो कुछ इस तरह का है। इसका जो लेस है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अजीब टाइप का, ये
तो मैं अभी दूसरा लेकर के आई हूँ लेस, वो लेस लगाऊंगी, वाइट कलर के लाया मैंने, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में मैं गई थी वहाँ पर, तो ये निकाल दूंगी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, मैंने दुपट्टे की वजह से ये ड्रेस लिया। ये 500 का है, ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है 500 ड्रेस। तो इसका दुपट्टा देख सकते हैं, हाँ 500 भी बहुत होता है, मैं बता रही हूँ बस कि मतलब अफोर्डेबल रेंज में। तो इस तरह का इसका दुपट्टा है, ये गोल्डन कलर इसको बोल सकते हो आप लोग, गोल्डनिश कलर है बिल्कुल। और इसका दुपट्टे की वजह से ही मैंने ले लिया, मुझे इसका दुपट्टा इतना पसंद आया ना, तो क्या बताओ, अब मैं थोड़ी संस्कारी लग रही हूँ, देख सकते हो। तो इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और इस साइड वाले मतलब एक ही साइड इसका ज़्यादा वर्क किया हुआ है, धागे का जो काम है एक ही साइड किया हुआ है, इस साइड में बहुत सिंपल सा काम है, बट ये भी बहुत प्यारा लग रहा है इस साइड वाला भी। और इस एरिया में कुछ भी नहीं है, इस एरिया पर साइड्स पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का लेस लेकर के आई हूँ। मैं नीचे भी लगाऊंगी दो लाइन और इस तरह से दुपट्टे के कॉर्नर्स पर लगा दूंगी। 4 मीटर मैंने लेकर के आया, तो इस तरह से ये हो जाएगा तो सही लगेगा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है ड्रेस का, ताकि वो और अच्छा हैवी दिखे और अच्छा दिखे। तो ये प्यारा लग रहा है ना, तारीफ कर देना मेरा। तो बस यही मैंने लिया और कुछ भी चीज़ें नहीं लिया। और शुक्रिया, सब बालों का पूछते हैं। कल मिली थी टोटो, हाँ कल मेरी अम्मी को 2 सब्सक्राइबर्स मेरी मिल गई थी साक्षी में। अम्मी बोलती अरे तुमको जाना चाहिए था। ऐसे ही हो रहा है साक्षी, मुझे बहुत सारे लोग मिल जा रहे हैं, जो जो मुझे देखते हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो मिल जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। उस दिन भी साक्षी में बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत सारी लड़कियाँ थी और 1-2 बॉयज़ भी थे, बहुत अच्छा लगा था। उन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाया। आप लोग इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग ही फील है यार, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो गाइस थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर लूँगी, वो दिखा दूँगी, क्योंकि कल मुझे जाना है तो थोड़ा अपना फेस को सही करना पड़ेगा। कस्तूरी हल्दी वाला मैंने कहा था आप लोगों के बहुत अच्छा है, फेस पैक भी बहुत अच्छा है, वो जो क्लिंजर मैं बनाती हूँ ना वो भी बहुत अच्छा है, तो वो मैं आप लोग सब शेयर कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। 1 hour later तो गाइस मैंने आप लोगों को बोल तो दिया कि मैं स्किन केयर कर लूँगी, पर अभी बहुत सारे काम बाकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का आप लोगों को स्किन केयर दिखा दूँगी अपना, या फिर सोचा कल सुबह मैं अगर स्किन केयर करूँ तो आप लोगों को शूट करके रख दूँगी, या फिर आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। शॉर्ट्स की वीडियो भी देखना बिल्कुल स्किप मत करना आप लोग शॉर्ट्स की वीडियो भी, क्योंकि उसमें ही बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़। हाँ, और मेरी अम्मी कह रही है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करके जाना और ऑल में क्लिक कर देना, ताकि सारे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अभी मैंने ना मतलब मैंने सोचा था कि मैं स्किन केयर कर लूँगी, बट मुझे और भी काम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्किन केयर शेयर कर दूँगी आप लोगों से। फिलहाल अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अपना ब्लाउज़, और इसमें अभी तक मैंने डोरी नहीं लगाई है, ये है ब्लाउज़, सिल गया ब्लाउज़, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसमें भी लेस लगेगा स्लीव्स में, उसके बाद फिर पीछे डोरी लगानी, क्योंकि थोड़ा सा पीछे का बैक जो है वो बड़ा है गला। और गाइस मैं साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी में ना इस तरह का लेस मिला था ये, और ये ना बहुत ही वाहियात लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, देख सकते हो, दिखाती हूँ, देखिए वैसे इतना भी बुरा नहीं है, पर मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दूसरा लेस ले लेते हैं। तो ये है साड़ी मेरी, मैंने साड़ी आप लोगों को बहुत पहले दिखाई है, देखिए इस तरह की साड़ी मेरी, बहुत प्यारी है। और मुझे ना फॉल्स भी लगाना था, पर फॉल्स यहाँ पर मिला नहीं, और अभी मैं साक्षी जा नहीं सकती। तो इस साड़ी में मैंने लेस जो लगाना है ना, वो लगाने के लिए मैंने ले लिया ये इस तरह का लेस, ये वाला, ये लेस, ये बहुत प्यारा लगेगा साड़ी पे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैंने 2 मीटर लिया है, बच ही जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है, 2 मीटर बच जाएगा ना मम्मी, आस्तीन में हो जाएगा, आस्तीन में। हाँ, तो ये ड्रेस है। और एक ड्रेस मैंने लिया था, मुझे ना वर्षा को बहुत पसंद आया था ये ड्रेस, उसने पसंद किया था और उसने ही देखा था ये ड्रेस को, तो ये ड्रेस है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो ड्रेस, बहुत प्यारी, ये कॉटन में, ये ना पिक्चर में समझ में नहीं आता होगा, बहुत सुंदर है पर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप लोग इसका वर्क बहुत प्यारा है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता है इसका घेर जो है ना बहुत अच्छा है इसका, और इसका डोरी कितना प्यारा दिया है लोगों ने, जो फुदना होता है ना वो कितना क्यूट सा है, दिखाती हूँ एक सेकेंड इस तरह का। तो ये है ड्रेस, तो ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस मैंने ऐसी सोलो लिया, मतलब ये सिर्फ यही ऊपर का ही मैंने लिया है 500 का, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा मेन कॉटन है ना, तो कॉटन में बहुत आराम मिलेगा, तो ये मैं पहनूंगी इधर उधर कहीं घूमने जाऊँगी ईद के वक्त तब,
कि दोस्त लोग आते हैं तो उस वक्त सही रहेगा। इसकी मैचिंग का मैंने ये लेगिंग्स ले लिया था, ये तो 100 रुपये का लिया, 150 का लिया शायद, हाँ 150 का लेगिंग्स है। और इसका दुपट्टा मैंने लिया, बहुत प्यारा है दुपट्टा, ज़्यादा हेवी भी नहीं लिया, वर्षों के हेवी दुपट्टा पसंद आ रहे थे, पर संभलना भी तो चाहिए ना, मैं इतना भारी दुपट्टा नहीं संभाल पाऊँगी, इसलिए मैंने ये पसंद किया दुपट्टा। देख सकते हो इस तरह का मोती का वर्क है, बड़ा प्यारा लग रहा है दुपट्टा। और इसका देख सकते हो आप लोग साइड में इस तरह के लगे हुए, मैं इसे ओढ़ करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह का है, बहुत प्यारा है। सबर करो थोड़ा, ईद आने दो, ईद आने दो, ईद के तो वेट नहीं, वैसे मैं दुपट्टे ऐसे लेती नहीं हूँ, पर बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हो, वेट कुछ इस तरह का दुपट्टा, कुछ इस तरह का दुपट्टा है। दुपट्टा ये बहुत प्यारा दुपट्टा, 230 रुपीज़ का दुपट्टा, के शॉप से मैं गए थे, वहाँ पर सिर्फ दुपट्टे ही मिलता, पता नहीं शॉप का नाम भी भूल गई हूँ मैं, तो वहीं से लिया। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले की वीडियो में, आप लोगों ने मेरा देखा होगा पिछले के ब्लॉग में, मैं और मेरी मम्मी गए थे, हम लोग ले रहे थे, शायद वो शॉर्ट्स मैंने नहीं डाला, शायद मैंने नहीं डाला, पर मैंने वो भैया की दुकान से लिया जहाँ से थान का कपड़ा मैं लेती हूँ। तो गाइस बस इतना ही, और अभी ईद में पता नहीं यही पहनूंगी या फिर कुछ और लूंगी, अभी अभी और शॉपिंग होगी, अभी आपी वगैरह को भी लेना है, मेरा तो फिर भी हो चुका है, अम्मी भी ले ली है, बस आपी का और भाई का लेना, तो वो सबको भी व्लॉग, सबके व्लॉग आप लोगों को आगे आएंगे, फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो बहुत भाई को मैं दिलाऊंगी, तो बहुत अभी आगे व्लॉग आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी ऑफकोर्स शादी की होगी, मतलब मेहंदी हल्दी दोनों एक साथ ही हो रहा है, अम्मी मेहंदी हल्दी दोनों ही एक दिन हम लोगों का, आज मंडप पूजन ऐसी कुछ करके था, तो हम लोग नहीं गए आज के दिन, मैंने कहा कि अब कल ही आऊँगी, कल मेहंदी भी लगाना है उसे, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है वो भी मेहंदी लगाती है, हम लोग दोनों मिलकर के ही लगाएंगे, क्योंकि अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, और मेहंदी आर्टिस्ट ही समझ सकती है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो बस वही थोड़े बहुत सामान तो उसने कहा ले लेने के लिए, तो मैंने वो ले लिए, और कल हम लोग सुबह 11 बजे ही निकल जाएंगे, तो कल से जो वीडियो आएगी शादी की आएगी, देन उसके बाद फिर रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान की वीडियो आएगी, तो मिलती हूँ आप लोग से बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह प्यार दीजिए, और आप लोग तो मेरे मुझसे ज़्यादा तो मेरी अम्मी को प्यार देते हो यार आप लोग, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, और मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है, मैंने अम्मी को कहा भी बहुत अच्छे अच्छे, मतलब एक भी हेट कमेंट्स नहीं आते मुझे इस चीज़ का, बहुत अच्छा, कुछ कुछ आते हैं तो वो तो इग्नोर ही करती हूँ मैं, बट मेरी अम्मी को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, कि आंटी बहुत चिल है, बहुत फ़नी है, सच में आंटी बहुत ज़्यादा फ़नी है, और बहुत ज़्यादा नेचुरली मेरी अम्मी ऐसी है, हमेशा इनका नेचर ही ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली है सबसे, इसलिए सबको बहुत पसंद आती है। तो गाइस अब बहुत बकवास के लिए मैंने मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को हिट करते ही जाना, और अगर चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करके मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी समरीन खान 02, और लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारी ड्रेस मैंने ऑफलाइन ली है, तो इन सबका मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी। और किसी ने कहा था कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हो, तो मैं मार्स द गोल्ड वेव फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, और उस वीडियो उस फाउंडेशन का ना मुझे लिंक मिल चुका है, तो मैं इस वीडियो में उस लिंक को भी डाल दूंगी, आप लोग बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेज़न किसी से भी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।